दोस्तों, इस वीडियो में हम सॉर्ट इन स्पेसिफिक ऑर्डर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। मैं आपको सी प्लस प्लस और जावा दोनों लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को काफी इन डेप्थ सॉल्व करना सिखाऊंगा। क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एक एरे दिया है ए ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। हमारा टास्क क्या है, योर टास्क इज टू सॉर्ट देम इन सच अ वे दैट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एरे कंटेन्स ऑड नंबर्स सॉर्टेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, रेस्ट पोर्शन कंटेंस इवन नंबर सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। हमारे पास एक एरे दिया है, हमें क्या करना है, जो उसका फर्स्ट पार्ट है मतलब पहले हमारे ऑड नंबर्स को रखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, फिर हमें इवन नंबर को रखना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो क्वेश्चन क्या है, जैसे देखो एन इक्वल टू 7, इसमें हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इसमें ऑड नंबर्स भी हैं इवन नंबर्स भी हैं। तो पहले हमें क्या करना है, ऑड नंबर को रखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, आप यहां से यहां तक दे सकते हो, फिर हमें क्या रखना है इवन नंबर को रखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो कैसे होगा, चलिए मैं आपको क्वेश्चन बहुत बेहतर तरीका से सॉल्व करना सिखाता हूँ, ताकि आपको चीजें हमेशा के लिए समझ में आ जाए, आप भूलना भी चाहें तो आप इसको भूल नहीं पाए। ठीक है, तो देखो हमारे पास एक एरे दिया है और हमें क्या करना है, इसमें से जितने भी इसके ऑड नंबर हैं उनको पहले रखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, और जितने भी इवन नंबर है उनको बाद में रखना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो कैसे होगा, तो आप बोलोगे सर मैं क्या करूंगा, अगर सपोज करो ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया गया, मैं आपका इंटरव्यूअर हूँ और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप कैसे बताओ। तो आप बोलोगे सर जैसे कोई भी नंबर दिया है, कोई भी नंबर, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस एरे को मैं शॉर्ट कर दूंगा। भले मैं क्या करूंगा, एरे को शॉर्ट कर दूंगा, मैं बोलूंगा ठीक है। तो जैसे तुम शॉर्ट करोगे 1 2 3 4 5, उसके बाद 7, फिर 10, 1 2 3 4 5 7 10, हमारा एरे शॉर्ट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, लास्ट से ट्रैवर्स करना शुरू करूंगा, लास्ट से ट्रैवर्स करना शुरू करूंगा और देखूंगा हमारा इसमें ऑड नंबर कौन कौन है, जौन जौन ऑड नंबर होगा उसको मैं पहले रख लूंगा। तो मैं क्या करूंगा, एक वेक्टर बना लूंगा, वेक्टर मैं क्या करूंगा, लास्ट से ट्रैवर्स करना शुरू करूंगा और चेक करूंगा क्या है हमारा ऑड नंबर है, नहीं ये ऑड नंबर नहीं है, फिर यहाँ जाऊंगा, क्या हमारा ऑड नंबर है, हाँ ऑड नंबर है, तो पहले पकड़ के मैं यहाँ रख लूंगा। ठीक, फिर मैं जाऊंगा यहाँ, क्या ऑड नंबर है, हाँ ऑड नंबर है, तो फिर मैं यहाँ रख लूंगा, फिर मैं जाऊंगा यहाँ, क्या ऑड नंबर है, नहीं ये ऑड नंबर नहीं, फिर मैं यहाँ जाऊंगा, क्या ऑड नंबर है, हाँ ऑड नंबर है, तो 3 को यहाँ रख लूंगा। जो जो मुझे ऑड नंबर मिलेगा मैं लास्ट से आऊंगा, जो जो मुझे ऑड नंबर मिलेगा मैं क्या करूंगा उसको रख लूंगा। इससे क्या होगा सर, इससे ये होगा कि हमने पहले एरे को शॉर्ट कर दिया, और लास्ट से मैं ट्रैवर्स करूंगा तो मुझे ऑड नंबर वही मिलेंगे जो सबसे बड़े है, जो सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा। तो हमने क्या किया, इस एरे को हमने ट्रैवर्स कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसी एरे को शुरू से ट्रैवर्स करना शुरू करूंगा, शुरू से, और चेक करूंगा कौन कौन से एलिमेंट जो इवन है। तो मैं देख रहा हूँ क्या इवन है, नहीं इवन नहीं है, फिर मैं यहाँ आऊंगा, क्या इवन है, हाँ इवन है, और जैसे इवन मिलेगा मैं इसी एरे में फिर से रख लूंगा, 2 आ गया, फिर मैं इसको चेक करूंगा क्या इवन है, नहीं जी इवन नहीं, फिर मैं इसको चेक करूँ क्या इवन है, हाँ इवन है, तो 4 को मैं यहाँ रख दूँ, फिर यहाँ जाऊँगा मैं 5 पर, क्या इवन है, नहीं जी इवन नहीं है, फिर मैं इसको जाऊँगा 7 पर, क्या इवन है, नहीं जी इवन नहीं है, फिर मैं 10 पर जाऊँगा क्या इवन है, हाँ इवन है, तो 10 को मैं इसमें रख दूँगा। तो देखो काम हो गया, काम हो गया सर, 7 5 3 1 2 4 0 2 4 10, काम हो गया। कैसे काम हुआ, देखो कितना हमने सिंपल लॉजिक लगाया, हमने क्या किया है, एरे को पहले शॉर्ट कर दिया है, फिर मैं लास्ट से ट्रैवर्स इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारा एलिमेंट सॉर्टेड है असेंडिंग ऑर्डर में, तो लास्ट से अगर मैं ट्रैवर्स करूंगा तो हमारा जो एलिमेंट मिलेगा वो सबसे बड़ा मिलेगा, और मैं चेक करूंगा कि पहले ऑड नंबर चाहिए, तो ऑड नंबर में जो सबसे बड़ा है उसको उस रेंज से लाकर रखते जाऊंगा, और फिर मैं एरे को शुरू से ट्रैवर्स करूंगा और जो नंबर हमारा इवन होगा उसको मैं क्या करूंगा इधर शुरू से रखते चला जाऊंगा। तो अगर मैं इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात करूंगा, टाइम कम्प्लेक्सिटी तो कितना हो जाएगा, ओ ऑफ एन हो जाएगा। अगर मैं स्पेस कम्प्लेक्सिटी की बात करूंगा तो ओ ऑफ एन हो जाएगा, क्योंकि अगर हम टेम्पररी एक एरे ले रहे हैं तो उसी साइज का हमें एरे लेना पड़ेगा, तभी हमारा सारा सारा एलिमेंट इसमें आ पाएगा, अट पाएगा। ठीक है, तो भैया क्या है, बेस्ट सोल्यूशन है, अच्छा सोल्यूशन है, नहीं जी अच्छा सोल्यूशन तो नहीं है, लेकिन हाँ सोल्यूशन है, आप इसे बता सकते हो। अब मैं क्या करूंगा, आपको एक बेस्ट अप्रोच बताने की कोशिश करता हूँ, जैसे 1 2 3 5 4 7 10, ध्यान समझना। देखो हमें क्या करना है, पहले ऑड नंबर को रखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, फिर इवन नंबर को रखना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो मैं क्या करूंगा इस सॉल्यूशन में, मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो हमें ऑड नंबर को रखना है एक साइड, इवन नंबर को रखना है एक साइड, तो मैं क्या करूंगा ऑड नंबर को एक साइड पहले करूंगा, इवन नंबर को एक साइड। आप यहां देख सकते हो, यहाँ यहाँ इवन है, यहाँ यहाँ ऑड है, यहाँ इवन,
फिर यहाँ ऑड है, फिर यहाँ ऑड है, फिर यहाँ इवन है, दोनों एक दूसरे से मिलकर है, तो मैं क्या करूंगा, अलग अलग करूंगा। तो अलग कैसे करूंगा, अलग मैं दोनों से चेक करूंगा, इसको और इसे चेक करूंगा। मैं चेक करूंगा क्या जो हमारा पहला एलिमेंट है ये ऑड है, हाँ ऑड है, ठीक, पहला एलिमेंट हमारा ऑड है। ये चेक करूंगा क्या हमारा इवन है, हमें क्या चाहिए फर्स्ट पार्ट में ऑड चाहिए, इधर हमें ऑड चाहिए और इधर इधर हमें क्या चाहिए इवन। तो अगर इधर इवन है तो मैं छोड़ दूंगा, अगर इधर ऑड है तो मैं छोड़ दूंगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। हमने पॉइंटर को यहाँ बढ़ा दिए, लेफ्ट पॉइंटर को, और हमने एक राइट पॉइंटर रखा है, ये हमारा क्या है इवन है, इवन हमें लास्ट में चाहिए तो लास्ट में है, ठीक है। तो मैं फिर क्या करूंगा, आर को माइनस माइनस करूंगा, फिर मैं चेक करें क्या हमारा इवन है, नहीं जी इवन नहीं। मैं इसको चेक करूँ क्या हमारा ये ऑड है, नहीं ये ऑड नहीं है। तो इस केस में क्या करूंगा, दोनों को आपस में स्वैप कर दूंगा, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 7 और यहाँ हमारा आ जाएगा 2। तो अब देखो 2 10, यहाँ इस पार्ट में सिर्फ इवन नंबर हो गए, यहाँ देखो 1 और 7, इस पार्ट में हमारा क्या होंगे, सिर्फ इवन नंबर होंगे। फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा, फिर मैं क्या करूँगा, आगे बढ़ाऊंगा, तो लेफ्ट पॉइंटर हमारा फिर यहाँ आ जाएगा और राइट पॉइंटर हमारा घट के कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। फिर मैं चेक करूँ क्या हमारा इवन है, हाँ इवन तो सही है, हमें इवन लास्ट में ही चाहिए, सही है। फिर मैं ये चेक करूँ क्या ऑड है, हाँ ऑड है हमें चाहिए। फिर मैं आगे जाऊँगा, फिर चेक करूँ क्या हमारा ये ऑड है, हाँ ऑड है, ये तो हमारा इवन था है। मतलब क्या, मैं करूंगा एक लेफ्ट पॉइंटर रखूंगा, एक राइट पॉइंटर रखूंगा। मैं क्या करूंगा कि जो फर्स्ट पार्ट है उसको ऑड बनाने की कोशिश करूंगा, जो लास्ट वाला पार्ट है उसको इवन बनाने की कोशिश करूंगा। तो मैं देख रहा हूँ कि हमारा इधर ऑड आ चुका है और इधर इवन आ चुका है, तो ऑड कहाँ से कहाँ तक है, तो ध्यान समझना है। तो मैं क्या करूंगा, अभी ध्यान समझाऊंगा, ये हमारा पार्ट क्या है, ऑड पार्ट है, ये हमारा क्या है, इवन पार्ट है। तो अभी हमें क्या करना है, देखो ऑड पार्ट क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है। तो इस एरे को, जो ऑड वाला एरे है, इसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। तो क्या आ जाएगा 7 5 3 1, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में मैं सॉर्ट कर दूंगा, और जो लास्ट बचा है इसको असेंडिंग ऑर्डर में, तो क्या आ जाएगा 2 4 10। और यही तो हमें चाहिए, इसी को हमें एक एरे में बंद कर देना है, और यही तो हमें चाहिए। तो आई थिंक आपको ये एल्गोरिदम और कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए मैं आपको इसका कोड दिखाता हूँ ताकि चीज़ें और समझ में आए। तो हमने जो पहले बताया है, हम क्या करेंगे, एक वेक्टर बना लेंगे उसी साइज का, पहले एरे को सॉर्ट कर देंगे, और अगर कोई एरे जो है अगर नॉट इक्वल टू 0, मतलब अगर ऑड है ऑड, तो मैं लास्ट से ट्रावर्स करूंगा और इसको वेक्टर में डालते जाऊंगा। फिर मैं क्या करूंगा, शुरू से ट्रावर्स करूंगा और इसको वेक्टर में डालते जाऊंगा, और लास्ट में उस एरे में कॉपी कर दूंगा। तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, ये हमारा 9th सोल्यूशन है, ओ ऑफ एन, स्पेस भी हम यूज कर रहे हैं तो ओ ऑफ एन इसका भी हो जाएगा। ये हमारा क्या है, 9th सोल्यूशन। मैं आपको एफिशिएंट सोल्यूशन नहीं बताऊंगा, अभी ध्यान समझना है। सेम टू सेम यही कोड हमने जावा में लिखा है, हमने एक एरे बना लिया है, फिर हमने क्या कि एरे को सॉर्ट किया है, अगर कोई ऑड है तो उसको पहले रखो और लास्ट से उसको ट्रावर्स करो, उसको एरे में डाल दो, फिर शुरू से ट्रावर्स करो, उसको एरे में डाल दो, और लास्ट में एरे को कॉपी कर दो। तो इसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा यही आ जाएगा। ये हमारा एफिशिएंट सोल्यूशन, जो C++ और जावा दोनों में यही होगा। मतलब जो C++ है उसमें स्वैप फंक्शन यूज करेगा, और जावा में आपको स्वैप फंक्शन अलग से लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस केस में हमने क्या किया है, इस केस में जैसे अगर कोई एलिमेंट है, मैं यहाँ एग्जांपल इसी का ले लेता हूँ, क्या है 1 2 3 5 4 7 10, 1 2 1 2 3 5 4 7 10, हम लेफ्ट पॉइंटर यहाँ से रख रहे हैं, राइट पॉइंटर यहाँ से रख रहे हैं, ठीक है। हमने क्या किया है, जब तक लेफ्ट लेस देन है राइट के, हम क्या करेंगे, अगर कोई एलिमेंट ऑड है, ऑड है तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट प्लस प्लस करते जाऊंगा, क्योंकि हमें लेफ्ट पार्ट में मुझे ऑड चाहिए, राइट पार्ट में मुझे इवन चाहिए, तो ये ऑड है, लेफ्ट प्लस प्लस करते जाओ, ये ऑड है, नहीं ये ऑड नहीं, ये हमारा जब तक हमारा ए इवन है तब तक आर माइनस माइनस करते जाओ, हमारा इवन है, हाँ तो आर यहाँ आ जाओ, हमारा इवन है, नहीं इवन नहीं है, ये हमारा ऑड है, ये हमारा इवन है, इन दोनों क्या करना है, स्वैप करना है। क्यों, क्योंकि मुझे लेफ्ट पार्ट में हमें ऑड चाहिए, तो मैं यहाँ 7 ला दूंगा, यहाँ 2 ला दूंगा, यही प्रोसेस मैं अपनाते जाऊंगा, और लास्ट में मुझे क्या होगा कि एक तरफ मुझे सिर्फ ऑड मिल जाएगा, एक तरफ मुझे सिर्फ इवन मिल जाएगा। जब मिल जाएगा तो मैं क्या करूंगा, जो ऑड हमारा मिला है ऑड, उसको मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो इस सॉर्ट फंक्शन का यूज करूंगा और डिसेंडिंग में कर दूंगा, और जावा में आप रिवर्स फंक्शन का यूज कर सकते हैं, कलेक्शन फ्रेमवर्क का, ठीक है। और फिर जो बचा है उसको मैं एरे प्लस के से लेकर यहाँ तक, मतलब अब एक के भी रखूंगा ताकि गिनने के लिए कि मुझे ऑड नंबर कितना मिला है, अब यहाँ से लेकर के प्लस एरे प्लस के से लेकर एरे प्लस एन तक मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दूंगा। तो इसका अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूंगा, तो देखो सॉर्ट में कर रहा हूँ, तो ओ ऑफ एन लॉग इन इसका हो जाएगा, और ओ ऑफ एन वर्स्ट के सिनेरियो में इसका हो जाएगा, ठीक है।
तो चलिए मैं आपको कोड डिस्कवर करके दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप डी से एकदम इन डेप्थ पढ़ना चाहते हैं हैंड रिटन नोट्स के थ्रू, तो आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। बेसिकली एक हैंड रिटन नोट से आप इसको ले सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं नहीं यार मुझे तो वीडियो से ही समझ में आएगा, तो आप जेपी का इस डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम को ले सकते हैं। अगर आप इस कूपन कोड को लगाएंगे तो आपको 600 का इंस्टेंट डिस्काउंट अभी मिल जाएगा, नहीं तो अगर आप बाद में लगाने वाले हैं तो आपको 400 का डिस्काउंट तो मिलेगा ही। तो चलिए मैं आपको कोड रन करके दिखाता हूँ ताकि चीज़ें आपको और ज़्यादा समझ में आए और आपको मज़ा आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, आपको C++ का कोड दिखाऊंगा, ये हमारा एफिशियंट कोड है, मैं सिंपली इसको सबमिट पर क्लिक कर दूंगा क्योंकि हमने काफ़ी बार इसको रन करके देखा। और दोस्तों यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो ताकि उनका भी हेल्प हो सके। आप देख सकते हो हमने 6 बार अटेम्प्ट किया है, 5 बार सही है। मैं क्या करूंगा आपको जावा कोड दिखाऊंगा, सिंपल से यही कोड देखो हमने क्या किया है, C++ आपको कोड दिखा है एफिशिएंट सॉल्यूशन वाला जिसमें हमने एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया, और जावा में हमने क्या दिखा है जो नाइव सॉल्यूशन है, लेकिन जावा में भी आपको उस सॉल्यूशन को यूज कर सकते हैं, बस आपको कलेक्शन फ्रेमवर्क का यूज लेना पड़ेगा, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, मैं क्या करूंगा इसको सबमिट करूंगा। हमने कोड यहाँ जो लिखा है अभी मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, तो सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों में शेयर कर दो। देखो जो जावा का कोड है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ तो यहाँ स्वैप फंक्शन की जगह पर, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ स्वैप फंक्शन की जगह पर आप स्वैप फंक्शन खुद से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और जो आप यहाँ लिखे हो एरे एरे प्लस की ग्रेटर इन, तो आपको यहाँ कलेक्शन फ्रेमवर्क का फंक्शन यूज करना पड़ेगा रिवर्स, जैसे आप एरे जावा में सॉर्ट करते हैं वैसे आपको करना है, बस बाकी कोड सही है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।